अलामा खादिम हुसैन रिजवी की उर्स की तकरीबा शुरू। सरबराह तरीके लब्बैक अलामा साथ रिजवी ने मजार पर चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तीन रोजा उर्स के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स की भारी नफरी तायुनात। कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान का डीसी के हमरा इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। रेंजर्स अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने मुल्तान रोड में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। स्मोक के बाहर स्कूल बंद करने हैं या नहीं, वज़ीर-ए-आला ने स्कूल एजुकेशन से राय मांग ली। स्मोक सूरत हाल पर इजलास में स्कूलों की बंदिश का मामला ज़ेरे बहस। PDMA ने स्कूलों की बंदिश पर तजावीज दी। दफातर में 50% हाजिरी और औकात एकात की तब्दीली पर सिफारिश। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबा शुरू। सरबराह तरीके लब्बैक अलामा साथ रिजवी ने मजार पर चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तीन रोजा उर्स के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स की भारी नफरी तायुनात। कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान का डीसी के हमरा इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। रेंजर्स अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने मुल्तान रोड में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। स्मोक के बाहर स्कूल बंद करने हैं या नहीं, वज़ीर-ए-आला ने स्कूल एजुकेशन से राय मांग ली। स्मोक सूरत हाल पर इजलास में स्कूलों की बंदिश का मामला ज़ेरे बहस। PDMA ने स्कूलों की बंदिश पर तजावीज़ दी। दफातर में 50% हाजिरी और औकात एकात की तब्दीली पर सिफारिशें।